सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉफिटेबल स्ट्रेटेजीज। तो आज की इस वीडियो में हम एलआईएस ब्लू का जो एंट मोबाइल वर्जन है उसको देखने वाले हैं, और ये एलआईएस ब्लू में हम कैसे बाय सेल कर सकते हैं और ये एप्लीकेशन कैसे वर्क करता है उसका पूरा डेमो दिखाने वाला हूँ। तो अभी से वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। तो चलो करते हैं वीडियो को शुरू। सबसे पहले आपको ट्रेडिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट चाहिए, और एलआईएस ब्लू में आप डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो अकाउंट ओपन होने के बाद हम क्या करेंगे, पहले प्ले स्टोर पर आएंगे और प्ले स्टोर पर एलआईएस ब्लू सर्च करेंगे। तो हमें एंट मोबी 2.0 करके एलआईएस ब्लू का जो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ से आप इंस्टॉल कर लेना, मेरा इंस्टॉल है तो मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ऐसा आपको डैशबोर्ड दिखेगा। तो यहाँ पर मैं आपको पूरा डिटेल में दिखाने वाला हूँ कि हम कैसे स्टॉक्स बाय सेल कर सकते हैं और इसमें क्या क्या फीचर्स है जो हम यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम यहाँ पर वॉच लिस्ट वाला पार्ट है वहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर आपको 5 वॉच लिस्ट मिल जाएगी। ये वॉच लिस्ट का क्या यूज़ है कि आप जो भी स्टॉक्स या ऑप्शन आपको वॉच लिस्ट में ऐड करना है, मतलब कि हमें शॉर्ट टर्म में देखना है कि इसकी कैसी मूवमेंट है, तो हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमने TCS ऐड किया है और हम दूसरे स्टॉक भी ऐड करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पे सर्च बटन पर क्लिक करेंगे और नेम सर्च करेंगे कोई भी स्टॉक्स का, जैसे कि ITC। तो हम यहाँ पर ITC सर्च करेंगे तो यहाँ पर लिस्ट आ जाएगी, और यहाँ प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे तो हमारा वॉच लिस्ट में वो स्टॉक्स भी ऐड हो जाएगा। और हम स्टॉक्स के नेम पर क्लिक करेंगे तो यहाँ बाय सेल चार्ट देखना चाहते हो तो चार्ट भी देख सकते हो, और स्टॉक्स का ओपन हाई लो क्लोज क्या है आज के दिन का वो भी आपको दिखने मिल जाएगा। जैसे कि हमें स्टॉक्स को बाय करना है तो यहाँ पर बाय पर क्लिक करेंगे, जितनी भी क्वांटिटी हमें डालनी है 2, 3, 10 वो सब हम यहाँ डाल सकते हैं। उसके बाद आपको मार्केट प्राइस पर बाय करना है, तो मतलब कि अभी जहाँ पर मार्केट चल रहा है उसी प्राइस पर बाय हो जाएगा। और अगर आपको लिमिट प्राइस पे बाय करना है तो यहाँ पर लिमिट पर आप क्लिक करोगे तो आप अभी जहाँ पर स्टॉक्स चल रहा है उससे नीचे के प्राइस पर बाय करना चाहते हो तो आप लिमिट डालकर यहाँ पर प्राइस डाल दो। जैसे कि अभी 377 रुपीस प्राइस चल रहा है और आपको 370 रुपीस में बाय करना है, तो आप यहाँ पर 370 करके बाय ऑर्डर पर यहाँ क्लिक करोगे तो आपका वो ऑर्डर चला जाएगा। और आप मार्केट प्राइस पर बाय करना चाहते हो तो यहाँ मार्केट पर क्लिक करके जो भी प्राइस चल रहा होगा वो अभी के अभी बाय हो जाएगा। और यहाँ पे इंट्राडे, CNC, MTF वो तीन ऑप्शन मिल जाएंगे। MIS मतलब कि आप इंट्राडे में बाय सेल करो, और यहाँ CNC है, CNC का मतलब है कैश एंड कैरी, मतलब कि डिलीवरी में हमें स्टॉक्स खरीदना है ओवरनाइट पोजीशन होल्ड करने के लिए। तो ऐसे आप स्टॉक्स को बाय कर सकते हो। और अगर आपको ऑप्शंस में ट्रेड करना है तो आप दूसरा वॉच लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हो, और दूसरे वॉच लिस्ट में ऑप्शंस का ऐड करने का रीजन ये है कि सब मिक्स ना हो जाए, स्टॉक्स ऑप्शन वो सब। और यहाँ पर जो एरो है वहां पर हम क्लिक करेंगे तो निफ्टी, बैंक निफ्टी का क्या प्राइस चल रहा है और हमारा फंड कितना है वो दिखने को मिल जाएगा। तो यहाँ आप देख सकते हो कि निफ्टी का 17,100 का भी स्पॉट प्राइस चल रहा है, मतलब कि अभी मार्केट 17,100 पर लाइव है। तो अगर हमें 17,100 का कॉल और पुट वॉच लिस्ट में ऐड करना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 17,100 का कॉल और पुट, दोनों हमें ऐड कर देना है। यहाँ पर दोनों की ऑप्शंस की स्ट्राइक प्राइस आ जाएगी। तो चलो अभी मार्केट लाइव ही है तो मैं आपको एक डेमो के साथ ही बता देता हूँ कि हम ऑप्शंस को भी कैसे बाय सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें क्लिक करना है और बाय और सेल का ऑप्शंस मिल जाएगा आपको। जनरली सब लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं तो मैं ऑप्शन बाइंग का एक एग्जाम्पल लेके दिखा देता हूँ। निफ्टी में लॉट साइज होती है 50 की, तो आप यहाँ से क्वांटिटी 100, 50 जो भी करना चाहते हो वो कर सकते हो। हम अभी एक लॉट में ट्रेड लेते हैं आपको समझाने के लिए। यहाँ से सेम आप मार्केट और लिमिट प्राइस सेट कर सकते हो। मुझे आपको दिखाना है तो मैं यहाँ पर अभी एक मार्केट प्राइस पर बाय करके दिखाता हूँ। चलो हमने एक कॉल बाय कर लिया, तो हम हमारे ट्रेड को यहाँ पोर्टफोलियो में देख सकते हो। देखो यहाँ पर कॉल चल रहा है, और ये जो दूसरा ट्रेड आपको दिख रहा है वो भी मैंने डेमो के लिए ही लिया था आपको बताने के लिए। और अगर आपको इसे एग्जिट करना है तो यहाँ पर क्लिक करके आप एग्जिट भी कर सकते हो। तो ये हो गया एग्जिट, ये ट्रेड मैंने आपको दिखाने के लिए लिया था ताकि आप समझ सको कि ऑप्शंस कैसे बाय सेल कर सकते हैं। तो ये वॉच लिस्ट वाला पार्ट तो हमने कंप्लीट कर लिया, और उसके बाद हम ऑर्डर्स वाले पार्ट में चलते हैं। ऑर्डर्स यहाँ पर जो पेंडिंग ऑर्डर्स हो गए वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। जैसे कि हमने किसी भी ऑप्शंस या स्टॉक्स में लिमिट प्राइस सेट की होती और अभी लिमिट प्राइस पर मार्केट नहीं आती, तब तक यहाँ पेंडिंग में वो ऑर्डर आपको दिखेगा। ट्रेड बुक में हमें जितने भी बाय सेल के ट्रेड किए हो गए वो यहाँ पर मिल जाएगा, और इसमें से जो भी एग्जीक्यूटेड हुए हो गए वो सब आपको यहाँ मिल जाएंगे। और एक ऑर्डर का टाइप होता है
बास्केट ऑर्डर का टाइप। बास्केट ऑर्डर का बेनिफिट क्या है, आप मल्टीपल लेग एक ही क्लिक में बाय सेल कर सकते हो। जैसे कि मुझे 17,000 का कॉल बाय करना है और 17,100 का कॉल सेल करना है, तो मैंने दोनों स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे ऐड कर दी। आप दूसरी भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि हमें 17,200 का कॉल बाय करना है, तो हम फिर से यहाँ पर सर्च करके 17,200 का कॉल बाय करेंगे तो वो भी बास्केट में ऐड हो जाएगा। देखो अब यहाँ पर आपको तीन दिखेंगे और यहाँ पर फाइनल मार्जिन कितना लगेगा वो भी आपको दिखाएगा। और यहाँ पर आप एग्जीक्यूट पर क्लिक करोगे तो तीनों लेग एक साथ ही एग्जीक्यूट हो जाएंगे। अगर आप मल्टी लेग ऑप्शन ट्रेड करते हो तो आप ये भी यूज कर सकते हो। उसके बाद है यहाँ डैशबोर्ड। तो एलआईएस ब्लू में यहाँ पर एक स्क्रीनर का भी ऑप्शन है। इसका बेनिफिट क्या है कि अगर आप स्टॉक्स बाय करना चाहते हो तो कुछ कुछ स्क्रीनर आपको यहाँ इनबिल्ट मिल जाएंगे, तो उससे आपको हेल्प मिलेगी आपको एनालिसिस करने में। जैसे कि हमें देखना है कि आज के दिन टॉप गेनर में कौन कौन से स्टॉक्स थे, तो हम यहाँ पर एक क्लिक करेंगे तो यहाँ पूरा लिस्ट आ जाएगा कि कौन कौन से स्टॉक्स आज टॉप गेनर्स में थे। उसके बाद टॉप लूजर्स हम देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको टॉप लूजर्स भी दिख जाएंगे। अगर आप पोजिशनली स्टॉक्स को होल्ड करते हो तो ये 52 वीक्स हाई वाला स्क्रीनर है, ये आपको हेल्पफुल होगा। यहाँ से आप वो भी देख सकते हो कि किस स्टॉक्स में 52 हाई ब्रेक किया है, और सेम 52 वीक्स लो वाला भी आप यहाँ से देख सकते हो। ये सब स्क्रीनर है वो भी आप अपनी तरफ से देख सकते हो। और हाँ, अभी तक आपने हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर एलर्ट्स का भी एक अच्छा फीचर है। जैसे कि आप फुल टाइम ट्रेडर नहीं हो तो आप पूरा दिन तो स्क्रीन देख नहीं सकते, तो अगर आप ऐसा चाहते हो कि ITC का प्राइस 370 के नीचे आए तो मुझे अलर्ट मिलना चाहिए, तो वैसा अलर्ट भी आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हो। और यहां पर ऑप्शन चेन है, आप कोई भी निफ्टी, बैंक निफ्टी, कोई भी स्टॉक्स का आप यहां पर ऑप्शन चेन देख सकते हो। जैसे कि यहां पर बैंक निफ्टी है, हमें निफ्टी का ऑप्शन चेन देखना है तो हम यहां पर क्लिक करेंगे और निफ्टी आ जाएगा, तो यहां पर कॉल पुट दोनों की प्राइस मिल जाएगी। यहां से आप एक्सपायरी भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि हम 23 मार्च की एक्सपायरी देखते हैं तो यहां पर 23 मार्च की एक्सपायरी आ जाती है। हम यहां से भी डायरेक्ट बाय सेल कर सकते हैं, जैसे कि मार्केट 17,100 पर चल रहा है तो हम कॉल या पुट डायरेक्ट यहां से भी बाय कर सकते हैं। जैसे कि हमें कॉल बाय करना है तो हम यहां पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट बाय सेल का टैब ओपन हो जाएगा, तो हम यहां से भी डायरेक्ट बाय या सेल कर सकते हैं। वैसे सेम पुट में भी हम यहां पर पुट साइड में क्लिक करेंगे तो वो आ जाएगा, यहां से हम पुट साइड का बाय सेल कर सकते हैं। वैसे हम सेम स्टॉक्स में भी देखो इतने स्टॉक्स है F&O के, वो सब आपको यहां मिल जाएंगे और सबकी ऑप्शन चेन भी आपको मिल जाएगी। तो आपने ऑप्शन चेन देख लिया और यहां पे एक सेक्टर का भी ऑप्शन है। यहां पे आप देख सकते हो कि किस किस सेक्टर में कौन कौन से स्टॉक्स है। जैसे कि आपको लगता है कि IT सेक्टर ऊपर जाएगा और आप वो स्टॉक्स बाय करना चाहते हो तो आप यहां से डायरेक्ट देख सकते हो कि कौन कौन से स्टॉक्स IT सेक्टर में है और उसमें से अच्छा स्टॉक आप सिलेक्ट करके बाय कर सकते हो। तो यहां पर मैंने सेक्टर वाला टूल ओपन किया है तो यहां पे आप सारे सेक्टर देख सकते हो। जैसे कि हमें IT सेक्टर में कोई स्टॉक्स देखना है कि कौन कौन से स्टॉक्स है, तो हम यहां पर IT पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सारे स्टॉक्स मिल जाएंगे जितने IT सेक्टर में है। तो वैसे करके हम सभी सेक्टर के स्टॉक्स को यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद आपको इंडेक्स मिल जाएंगे, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, उसका भी आप डायरेक्ट यहाँ से चार्ट वो सब देख सकते हो। आप क्लिक करोगे तो चार्ट ओपन हो जाएगा। जैसे कि हमने फिन निफ्टी का किया है तो यहाँ से आप लाइव स्टॉक्स का भी चार्ट देख सकते हो। उसके बाद मोस्ट एक्टिव, यहाँ पर आपको सभी स्टॉक्स मिल जाएंगे जो अभी ट्रेडिंग के लिए एक्टिव है, और फ्यूचर्स, और उसके बाद फंड, यहाँ पर आपको फंड का सेक्शन मिल जाएगा। जैसे कि आपको फंड ऐड करना है तो आप क्या करोगे, डिपॉजिट में जाओगे और यहाँ पर अमाउंट सिलेक्ट करके, तो यहाँ पर आप अमाउंट सिलेक्ट करेंगे जैसे कि 10,000, तो आप यहाँ से 10,000 लिखोगे और जो भी बैंक आपने ऐड किया होगा वो यहाँ पर दिख जाएगा, और आप नेट बैंकिंग थ्रू और UPI के थ्रू जो भी आपको अच्छा लगे उस प्रोसेस से आप यहाँ पर प्रोसीड करोगे तो पेमेंट हो जाएगा ऐड। और सेम हम विड्रॉ करना चाहते हैं तो विड्रॉ पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर अमाउंट डाल देंगे जैसे कि 10,000, और विड्रॉ नाउ पर क्लिक करेंगे तो कुछ टाइम में हमारा विड्रॉ हो जाएगा। तो यहाँ से आप फंड ऐड भी कर सकते हो और विड्रॉ भी कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पर पोर्टफोलियो वाला सेक्शन है, यहाँ पोर्टफोलियो में हमें इंट्राडे में जो भी ट्रांजेक्शन किए होंगे बाय सेल के वो आपको यहाँ पर पोजिशन में मिल जाएंगे। मैंने डेमो के लिए जो ट्रेड लिए थे वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। और उसके पास में है होल्डिंग्स करके, अगर आपने लॉन्ग टर्म होल्डिंग के कोई भी स्टॉक्स या कुछ बाय किया होगा तो वो आपको यहाँ होल्डिंग में मिल जाएगा। और उसके बाद लास्ट का सेक्शन है प्रोफाइल का, यहाँ से आप पर्सनल डिटेल, बैंक अकाउंट, फंड, पासवर्ड चेंज करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, 2FA मतलब टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन वो आप यहाँ से ऐड या चेंज कर सकते हो, और यहाँ अपीयरेंस में लाइट या डार्क आपको जैसे भी थीम अच्छी लगे वो आप यहाँ से रख
सकते हो और चेंज कर सकते हो। नोटिफिकेशन और ये सब सेटिंग्स के पार्ट है, आप यहाँ से वो भी सारे देख सकते हो। तो ये था पूरा डेमो। और इस वीडियो से पहले मैंने LIS Blue का एक ओनली ऑप्शंस करके फीचर से उसका भी मैंने पूरा वीडियो बना के YouTube पर शेयर किया है, उसकी लिंक भी आपको आई बटन में मिल जाएगी, वहां से आप वो भी देख सकते हो। और आप डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहते हो तो उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो ये था पूरा LIS Blue का जो एंड सॉफ्टवेयर है उसका पूरा रिव्यू और डेमो। और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप वो कमेंट भी कर सकते हो और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके फ्रेंड्स तक भी शेयर कर देना। तो आपको रिव्यू कैसा लगा वो भी कमेंट कर देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बाय।